नमस्कार साथियों साथियों, आज हम मिर्ची से बनने वाली होम्योपैथिक दवा कैप्सिकम एनम के बारे में पढ़ेंगे कि डॉक्टर केंट ने अपने मेटेरिया मेडिका और लेक्चर में कैप्सिकम एनम के बारे में क्या बातें बतलाई हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों आपसे गुजारिश है कि चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कर ले, और बाकी अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कुछ पूछने बतलाने जैसा लगे तो प्लीज कमेंट करें, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो डॉक्टर केंट अपने मेटेरिया मेडिका लेक्चर में कैप्सिकम के बारे में कुछ इस प्रकार से बतलाते हैं कि मौसम के अनुसार बहुत सी चीजें जो खाने पीने के काम आती हैं वे एक या दो वंश के भीतर ही फायदेमंद दवाएं हो जाएंगी, क्योंकि लोग चाय, कॉफी, लाल मिर्च प्रभृति पदार्थों का जहर अपने में फैला लेते हैं और पिता माता के इन जहरीले प्रभावों का रहना ही रोग का पूर्ण कारण है, जो इन पदार्थों से उत्पन्न रोगों के ही सदृश है। मतलब यहाँ सीधा कहने का मतलब है कि चाय, कॉफी और मिर्च वगैरह जो कि अगर हम अधिक सेवन करते हैं या लंबे समय तक सेवन करते हैं तो इनका अपने आप में एक साइड इफेक्ट होता है, इनके तरफ से कुछ ना कुछ बीमारियां आती हैं और जो कि वंश बाई वंश माने कहें कि हम जनरेशन बाई जनरेशन वो शरीर में आता है, फैलते जाता है। और इस तरह के बीमारियों को, इस तरह के लक्षणों को हम सही रूप से कहें तो कि इस तरह के सिम्टम्स को निकालने के लिए इस तरह उस पदार्थों का जरूरत पड़ेगा जो इस तरह के सिम्टम्स को पैदा कर सकते हैं। तो उसी तरीका से अगर किसी के अंदर इस तरह का सिम्टम है तो इसी तरह के खाने पीने वाले पदार्थों से बनी हुई दवा जो है उनको फायदा पहुंचाएगी। आगे कहते हैं कि बियर जो कि एक तरह का शराब होता है, बियर पीने वाले और लाल मिर्च खाने वाले लाल मुंह के मोटे थुलथुले बच्चे, मतलब ऐसे बच्चे जो मोटे थुलथुले हो और चेहरा लाल रहे, जिनका जिनमें प्रतिक्रिया थोड़ी रहती है, उनकी शिथिल और थुलथुली धातु रहती है, चेहरा लाल तथा सीरा स्फीति की अवस्था रहती है और जिन्हें बहुत ज्यादा बलकारक दवा खिलाई जाती है, मतलब बहुत ज्यादा हाइपोटेंसी की दवाएं खिलाई जाती हैं, अत्यधिक बलकारक औषधि खाने वालों के बच्चे, इनमें कैप्सिकम के प्रयोग का क्षेत्र अक्सर दिखाई देता है। मतलब ये एक स्पेसिफिक चीज है कि जो बहुत ज्यादा बलकारक औषधियां खाने वाले हैं उनके बच्चों में कैप्सिकम का प्रयोग क्षेत्र ज्यादा दिखता है। उन धातु वालों में जिनका चेहरा गुलाबी लेकिन ठंडा रहता है ना कि गर्म, और अच्छी तरह जांच करने पर चेहरा महीन महीन कोशिकाओं से भरा दिखाई देता है, फूले फाले, गोल गाल, सहन करने की शक्ति नहीं, कैल्केरिया की भांति, मतलब कि एकदम वीक समझे कि झूठी रक्तपूर्ण अवस्था, नाक की आखिरी हिस्सा लाल रहता है, मतलब नाक का टिप जो है नोज का वो लाल रहता है, गाल लाल रहते हैं, गालों पर लाली, लाल आंखें, सहज में ही शिथिल हो जाने वाला मनुष्य, शिथिल मतलब शून्य जैसा शांत हो जाना, यह प्रकृति रोग के बाद बहुत धीमी गति से प्रतिक्रिया करती है तथा दवाओं का असर नहीं मानती, एक ढीली ढाली दशा, एक क्लांत आलसी धातु पदार्थ, पाठशाला जाने वाली लड़कियां मतलब स्कूल जाने वाली लड़कियां बच्चियां जो अध्ययन या काम नहीं कर सकती, जिन्हें घर जाने की बीमारी होती है और वे घर जाना चाहती हैं, मतलब वैसे बच्चे जो कि स्कूल में पढ़ाई वगैरह नहीं करना चाहती, सीखना नहीं चाहती और जल्दी से भागकर घर जाना चाहती हैं, उनकी वातज धातु प्रकृति में संधियों में करकराहट तथा गठिया की तली संचय जोर करे अकरे कमजोर जल्द ही अपनी जगह से खिसक जाते हैं, संपूर्ण शरीर विधान शिथिल रहता है, ये सर्दीले रोगी होते हैं, उन्हें दवा सहन नहीं होती और गर्म कमरे में रहना चाहते हैं, साधारण मौसम में खुली हवा सर्दी पैदा कर देती है, उन्हें सर्दी और नहाना सहन नहीं होता। तो ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब आते हैं इसके मेंटल सिम्टम्स पे। तो कहते हैं कि घर जाने की इच्छा, जैसे कि कोई स्कूल का बच्चा बच्ची है, उसको स्कूल में नहीं रहना, सीखना पसंद नहीं है, उसको पढ़ना पसंद है, उसको जल्दी से घर जाना है, मतलब होम सिकनेस। इसके अलावा मानसिक अवस्था के संबंध में और कोई बात विशेष अद्भुत नहीं मिलती, मतलब कैप्सिकम में सबसे रेड लाइन मेंटल सिम्टम जो अगर हम देखें तो वो होम सिकनेस है। उसके बाद बाकी चीज बतलाते हैं कि गृह कातरता इस दवा में सर्वत्र दिखाई देता है, मतलब होम सिकनेस इस दवा में बहुत ज्यादा दिखता है। इसके साथ ही गाल लाल और नींद न आना, गलगह्वर में गर्मी मालूम होना, भय मतलब डर, उन्हें धारणाओं की अत्यधिक अनुभूति होती है, बराबर अपराध या असावधानता खोजा करते हैं, मतलब कि बराबर इस तरह की चीज में इंटरेस्ट रखेंगे, कुछ गलत हो रहा है, कोई तरह का गलत कुछ, मतलब संदेही टाइप का दिमाग रहता है, हम हमेशा संदेही बने रहते हैं और अपमान की ओर देखा करते हैं, असीम जिद्दी रहते हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी, यह एक मूर्खता है, यदि वह कोई चीज चाहती है और कोई दूसरा उसे देता है तो वह बाधा प्रदान करती है, भावोद्रेक के बाद गाल लाल हो जाते हैं, पर गाल लाल रहने पर भी गर्मी का अभाव ही रहता है, यहाँ तक कि
तापमान बढ़ा रहने पर भी यही अवस्था रहती है, या एक गाल लाल और दूसरा पीला रहता है, या गाल पर्याय क्रम से लाल और पीले होते हैं। लड़के विकृत और बेढंगे रहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर कहने का जो मतलब है कि किसी तरह का भावोद्रेक, कहने का मतलब है कि किसी तरह सेंटीमेंट, अगर किसी तरह का सेंटीमेंट बहुत ज्यादा, मतलब ये कहें कि वो प्रेशर में आ गए, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट सेंटीमेंटल हो गया अगर, तो गाल लाल हो जाता है। और हो सकता है कि एक तरफ का गाल लाल हो, एक तरफ का पीला हो, और अल्टरनेटिव वे में भी हो सकता है कि एक बार राइट का गाल लाल और लेफ्ट का पीला होगा, एक बार लेफ्ट का लाल राइट का पीला होगा। और उसी के साथ लड़के विकृत और बेढंगे रहते हैं। लड़के मतलब कि बच्चों के बारे में बात हो रहा है, कम उम्र के जो लड़के होते हैं तो विकृत होते हैं, बेढंगे होते हैं, उनका शरीर सही नहीं होता। कैप्सिकम के रोगी के मन में करीब करीब लगातार आत्मघात करने का विचार उत्पन्न हुआ करता है। मतलब सेल्फ हार्म का टेंडेंसी आपको कैप्सिकम के रोगी में दिखेगा। वह अपनी हत्या नहीं करना चाहता, वह उन विचारों को बाधा देता है, फिर भी वे आते हैं। वह इन विचारों के कारण कुंठित हो पड़ते हैं। बहुत सी दवाओं में लगातार विचार आने का लक्षण है, या आवश्यक है कि भावोद्रेक यानी कि इमोशन का जो कहें कि एक फूटना उसका, और वासनाओं का प्रभेद किया जाए। यदि रोगी आत्मघात करने के लिए रस्सी या छुरी चाहता है, तो यह आत्मघात के भावोद्रेक से बिल्कुल ही भिन्न है। भावोद्रेक तो कभी कभी छा जाता है तथा मन की समता नष्ट कर देता है और वह आत्महत्या कर लेता है। आपको हमेशा रोगी से यह पता लगना चाहिए कि क्या वह अपने जीवन से घृणा करता है और मर जाना चाहता है, अथवा उसमें भावोद्रेक होता है जिसे वह हटाए रखना चाहता है। कुछ मनुष्य रात भर जागते पड़े रहते हैं और मृत्यु की कामना किया करते हैं, पर कोई कारण नहीं रहता। यह तो इच्छा की एक दशा है, इच्छा का उन्माद। दूसरे रोगी के मन में ख्याल आता है, वह उसे हटा नहीं सकता। ये विचार कष्टदायक होते हैं। दोनों के भीतर प्रभेद करने पर दवा का प्रभेद ज्ञापक स्वरूप प्राप्त होता है। वासना इच्छा शक्ति से आती है, भावोद्रेक विचार से आते हैं। यहाँ पे साथियों डॉक्टर केंट बस साफ करना चाह रहे हैं कि लस्ट के वजह से ये चीज ना हो रहा हो, जो उनके अंदर रिएक्शन जो आ रहा है किसी तरह का, वो इमोशन के वजह से। अगर इमोशन के वजह से वो सेल्फ हार्म या किसी तरह का कोई चीज कर रहे हैं, तो वो कैप्सिकम के पेशेंट हो सकते हैं। इसमें प्रभेद करना जरूरी है कि किसी तरह का लस्ट, किसी तरह का वासना, वासना मतलब कि आप काम से उसको ना जोड़ें। वासना का मतलब होता है बहुत चीजों का वासना, कुछ पाने का इच्छा, किसी चीज को, किसी पोस्ट को, किसी तरह के और सम्मान को, किसी तरह का वासना हो सकता है। तो उसके बाद आगे देखते हैं, आगे बतला रहे हैं हेड के बारे में। तो सिर दर्द इस ढंग का होता है मानो खांसने या चलने के समय सिर हिलाने पर खोपड़ी फट जाएगी। ऐसा मालूम होता है मानो सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। रोगी हाथ से माथा पकड़ लेता है, ऐसा मालूम होता है मानो माथा बड़ा हो गया है। खांसने और सीढ़ी चढ़ने पर बढ़ता है, और सिर ऊंचा रखकर लेटने पर घटता है। फार डालने की तरह दर्द और टपक, धमक के साथ कपाल और कनपटी में सिर दर्द। ऐसा मालूम होता है मानो ललाट की राह से मस्तिष्क बाहर निकल पड़ेगा। झुकने पर ऐसा मालूम होता है मानो मस्तिष्क बाहर निकल आएगा, तथा लाल आंख झुकने पर बाहर निकल पड़ेंगी। ज्ञानेन्द्रिय विश्रृंखलित रहती है और अति तीव्र हो जाती है। शब्द, गंध, स्वाद, स्पर्श, भावना और अपमानों की अतिरिक्त अनुभूति होती है। रोगी उत्तेजित रहता है। उसके बाद कान के बारे में बता रहे हैं कि कान में लगातार बना रहने वाला दर्द, टनक, खांसी के साथ दबाव की तरह कान में दर्द, मानो कोई फोड़ा फट जाएगा, इस तरह का जैसे एक फोड़ा फटता है उस तरह का कान में दर्द। अंतःकरण और चुचुकाकार प्रवर्धन यानी कि मैस्टॉइड प्रोसेस, तथा कान की भीतरी हड्डियों पर इसकी अद्भुत क्रिया होती है। कान के चारों तरफ और नीचे फोड़े तथा हड्डियों में जख्म, संखास्थी यानी कि टेम्पोरल बोन को हिंदी में संखास्थी कहते हैं, तो टेम्पोरल बोन का पत्थर की तरह कड़े अंश में अस्थि क्षत हो जाता है। चुचुकास्थी के फोरे में तो इस दवा का बहुत ज्यादा व्यवहार हुआ करता है। चुचुकास्थी का अर्थ है साथियों मास्टॉइड प्रोसेस, तो मास्टॉइड प्रोसेस का फोरा कह रहे हैं कि उसमें बहुत ज्यादा व्यवहार हुआ करता है। उसके बाद नेजल सिम्टम्स बता रहे हैं, पुरानी नाक की सर्दी, रोगी की नाक और कंठ में सर्दी लग जाती है और उसके बाद श्लेष्मा जमने लगता है। बहुत बार मूर्ख रोगियों से लक्षण प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। जो कुछ दिखता है उसी पर निर्भर करना पड़ता है, अर्थात श्राव की प्रकृति तथा कुछ दूसरी चीजें देखने को मिलती हैं, और आप देखेंगे कि इससे कुछ रोगी आरोग्य किए जाएंगे।
तथा सभी अन्य लक्षण छोड़े जाएंगे, पर कुछ पुरानी सर्दी के रोगी को खूब सावधानी से चुनी दवा देने पर भी कुछ भी प्रतिक्रिया होती नहीं दिखाई देती। एकाएक चिकित्सक के ध्यान में आता है कि रोगी का चेहरा लाल हो रहा है, यह सर्दी है, तथा नाक का आखिरी हिस्सा लाल और ठंडा है, तथा रोगी मोटा ताजा और थुलथुला है, और इतने पर भी उसमें बहुत सहनशीलता नहीं है, पाठशाला में कभी कुछ सीख नहीं सकी है। यदि वह परिश्रम करती है तो उसे पसीना आने लगता है तथा ठंडी हवा में ठिठुर जाती है। अब उसे रोगी का गुप्त भेद मिल जाता है और इसी रहस्य का सहारा लेकर वह रोगी की परीक्षा करता है, अर्थात दवा देता है। यह एक बुरी चिकित्सा प्रणाली है। मतलब यहाँ लास्ट का 4-5 लाइन समझ रहे साथियों कि ये एक आपका ड्रग पिक्चर हो गया कैप्सिकम का। तो यह एक बुरी चिकित्सा प्रणाली है, इससे बदमाश तथा जर रोगी के सिवा और किसी को आराम नहीं किया गया। जब वह उस रोगिनी को कैप्सिकम देता है, यह उसे जागृत कर देता है। हो सकता है यह आरोग्य नहीं भी कर सकता, पर इसके बाद साइलेसिया या काली बाइक्रोम या शायद पहले दी हुई कोई दवा जिसे कुछ क्रिया नहीं दिखाई दी थी, रोग को पकड़ लेती है और आरोग्य कर देती है। पाठ्य ग्रंथ में लिखा है, नाक लाल और गर्म, समूचे शरीर का चर्म लाल और शरीर जलता हुआ रहता है, कोशिकाओं का रक्त संचय यानी कि कैपिलरीज का कंजेशन, गाल लाल और गर्म रहते हैं, यह पर्याय क्रम से पीला होता है, चेहरे पर लाल धब्बे, बाहरी स्पर्श, हड्डी के दर्द की तरह चेहरे में दर्द, छूने पर दर्द बढ़ जाता है, गंडास्थि के दोनों प्रवर्धनों यानी जाइगोमा में दर्द या गंडास्थि के दोनों प्रवर्धन अत्यंत स्पर्श असहिष्णु रहते हैं, माने टच सेंसिटिव, चुचुकास्थि यानी कि मास्टॉइड पर दबाव सहन नहीं होता, चुचुकास्थि प्रदेश में सूजन स्वेलिंग आपको मास्टॉइड प्रोसेस में दिखता है। उसके बाद माउथ पे आते हैं तो मुंह के टेस्ट वगैरह के बारे में बता रहे हैं कि सरे पानी की तरह मुंह का बुरा स्वाद, खांसने के समय फेफड़े से जो हवा निकलती है मुंह में एक तेज बदबू पैदा कर देती है, कंठ में एक गर्म तेज हवा आती है जिससे खांसने के समय मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, जीभ और ओंठों पर चिपटे स्पर्श सहन न होने वाले चर्बी भरी तली के फैलने वाले जख्म हो जाते हैं, ओंठ तथा शरीर से विभिन्न भागों की श्लैष्मिक झिल्ली को यदि चुटकी से दबाया जाता है तो वह उठी रह जाती है जिससे प्रकट होता है कि रक्त का दौरा धीमा है। कैप्सिकम का ऐसा ही थुलथुलापन है, इसमें दबाने पर झुर्री पड़ जाती है, यह कमजोर खून का दौरा है, जिस अंश को आप छूते हैं वह ढीला थुलथुला लाल चिपटा और ठंडा रहता है। यदि किसी बच्चे को छोटी माता हुई तो जब तक उसे कैप्सिकम नहीं दिया जाएगा उसकी प्रतिक्रिया न होगी। चर्म तर ठंडा रहता है तथा कोशिकाओं के रक्त संचय के कारण चर्म की भी खसरे वाली सूक्ष्म अवस्था रहती है। यदि बच्चा बड़ा हो गया है तो वह सर्दी मालूम होने की शिकायत करेगा। उद्भेद वाली बीमारियों और आंतों की बीमारियों, ग्रंथि की बीमारियों के बाद प्रतिक्रिया धीमी रहती है। बच्चा मोटा ताजा और थुलथुला था पर अब उस पर मांस नहीं चढ़ता। उसके बाद कंठ यानी कि थ्रोट के बारे में बता रहे हैं कि उसके कंठ और नाक में सर्दी लग जाती है और कंठ ऐसे मालूम होता है कि उसे खून बहने लगेगा। यह इतना ही लाल रहता है, एक महीन दानों की तरह दृश्य, यह फूल बदरंग रहता है, बैंगनी, चितकबरा, थुलथुला और देखने में स्पंज की तरह गहरा लाल, गलकोश में जख्म की तरह यंत्रणा, इसके साथ ही जख्म, उपजिह्वा बड़ी, कंठ में सुई गरने की तरह दर्द, तालु मूल बड़ा, प्रदाहिक स्पंज की तरह, एक बार सर्दी लगने पर बहुत दिन तक कंठ घावपूर्ण रहता है या गलछत यानी सोर थ्रोट हो जाने के बाद बहुत दिनों तक कंठ में दर्द होता रहता है, कंठ में जलन दबाव की तरह दर्द, कंठ गहरा लाल रहता है, शिथिल गलछत यानी कि रिलैक्स्ड सोर थ्रोट, शिथिल गलछत मतलब सुन पड़ा हुआ है, कोई तरह का वो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है लेकिन है। उसके बाद निगलने में दर्द होता है, निगरण कृच्छता निगलने में तकलीफ, हफ्तों तक कंठ की क्रिया शिथिल रहती है, एक क्रियाहीन अवस्था, बहुत खराब भी नहीं हो जाया करता पर अच्छा भी नहीं होता, प्रतिक्रिया का अभाव बना रहता है। मतलब इतना ही प्रॉब्लम रहता है कि पेशेंट झेलते भी रहता है, तकलीफ में भी रहता है और कुछ करने के लिए ज्यादा ध्यान भी नहीं देता। उसके बाद जारा लगना आरंभ होने के समय प्यास रहती है। अब एब्डोमिनल सिम्टम्स के बारे में बताएंगे। जारा लगना आरंभ होने के समय प्यास रहती है, रक्तामाशय के प्रत्येक दस्त के बाद प्यास, एकाएक बर्फ जैसी ठंडे पानी की लालसा पैदा हो जाती है,
जिससे सर्दी मालूम होने लगती है। जारा आरंभ होने के पहले पानी पीने की इच्छा होना, जब रोगी पानी पी लेता है तो बहुत जल्दी शीत का दौरा हो जाता है, मतलब शरीर एकदम सिहर जाता है, ठंडा हो जाता है। पकासे में ठंडक मालूम होती है, वह कुछ गर्म चीज, बहुत ताकत लाने वाली चीज, तेज चीज की इच्छा करता है। यह विस्की पीने वालों में दिखाई देता है, वे लाल मिर्च खाना चाहते हैं। यह मिर्च विस्की पीने की लालसा पैदा कर देता है। यह विस्तार, फैलाने योग्य, कुछ उस स्फूर्तिदायक पदार्थ की इच्छा करता है, सहारा खोजते हैं। शराब पीने यानी कि डिप्सोमानिया की अदम्य इच्छा। तो सदियों सुस्ती पैदा करना, आप चाय ले लें, कॉफी ले लें, आप शराब ले लें, ये सब क्या है कि एक्साइट करता है शरीर को। तो इस तरह का जो सिम्टम होगा या इस तरह का चीज डिमांड जो कर रहा है लोग, क्योंकि उसके अंदर उसकी क्रेविंग है, तो वहां पर कैप्सिकम का आपको बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलता है। अब कहते हैं कि अब जरा आर्सेनिक का एक संकेत सुनिए। सूरा तृष्णा यानी कि डिप्सोमानिया, मतलब इसको क्या कहते हैं, शराब पीने का जो इच्छा, अम्मल जिसको कहते हैं, वो जगना में पापी जो दिन भर बहुत शराब पीते रहे हैं, कभी कभी इस दशा में जा पहुंचते हैं जिससे उन्हें रात में शराब पीना ही पड़ता है, नहीं तो वे अगले सवेरे उठने लायक नहीं रह जाते हैं। सवेरे पहले ही 3 या 4 पान हट जाएंगे, पर इसके बाद वाला बना रहेगा, उन्हें अब तक पीते रहना पड़ेगा जब तक कि एक जाम नहीं जमाता। वे उसी दशा में जा पहुंचते हैं कि उन्हें पीना जारी रखना पड़ता है। यदि वे बहुत देर तक सोते हैं तो पहले का कई बार का पान ही आ जाएगा, इसलिए उन्हें रात में जरूर ही उठना पड़ता है, नहीं तो विस्की का नशा सवेरे तक नहीं रहेगा जब तक कि वे कई बार नहीं पी लेते हैं। ऐसा आप उन वकीलों में देखेंगे जो बहुत कुछ काम स्फूर्तिदायकों के बल पर करते हैं। यानी कि यहाँ उस तरह के अल्कोहलिक पेशेंट के बारे में बात हो रहा है जिनका स्थिति लगातार शराब के सेवन के वजह से ये हो गया है कि अब वो नशे से बाहर नहीं आ सकते, अब वो नशे से बाहर रह नहीं पाएंगे, उनको नशा खत्म होने से पहले नशा चाहिए। और ये किस तरफ ले जाता है, किस रास्ते पे ले जाता है, ये तो आप जानते हैं। और जो तकलीफ, जो अम्मल, जो कहते हैं कि एक एडिक्शन क्रेविंग जो होता है, तो एडिक्शन का क्रेविंग जब आपको दिख रहा है और इस तरह का क्रेविंग है कि अब नशा से बाहर निकलने से पहले नशा चाहिए, इस तरह का कंटिन्यूअस वे में एक रिक्वायरमेंट बन गया हो, तो वहां पे कैप्सिकम आपको फायदा पहुंचाएगा। और भी दवाएं हैं, जैसे कि कहते हैं नक्सवोमिका, आर्सेनिक और कैप्सिकम, इनके लिए कुछ करेगा यदि आपसे सहयोग करेंगे। मैंने एक ऐसे पियक्कर को जो बराबर सैंपेन नामक शराब पिया करता था कहते सुना है कि वह इसे छोड़ देगा, वह भुनभुनाया करता था, मैं नहीं समझता कि यह पीने योग्य है, पर पहले यदि उसे सैंपेन नहीं मिलती थी तो जीवन को ही रखने योग्य नहीं समझता था। यदि ऐसे मनुष्य लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें अवश्य ही सहयोग करना होगा। तो ये सारे सिम्टम्स थे अल्कोहलिज्म पे। उसके बाद आते हैं स्टूल एनस वगैरह पे, तो देखते हैं, कहते हैं कि रक्तामाशय, पखाना हो जाने के बाद मरोर और प्यास, और पीने पर उसे पथरी हो जाती है, मलद्वार और मल नली में यंत्रणा और जलन, मलांत्र और मूत्राशय में एक ही समय प्रचंड मरोर का दर्द, बवासीर के मस्से बाहर निकले हुए, यंत्रणा भरे जलते हुए, मिर्ची लग जाने की तरह यंत्रणा, ये एकदम रेडलाइन सिम्टम इसका कि एकदम मिर्ची जैसे लग करके जो लहर जलन जो महसूस होता है, अगर कभी आपको लगा हो जीभ पर या किसी भी स्थान अन्य स्थान पर, तो उस तरह का जलन आपको कैप्सिकम में दिखता है। वे इस तरह डंक मारते और जलते हैं मानो उन पर लाल मिर्च छिड़क दी गई हो। और इस तरह का सिम्टम अगर किसी पेशेंट में, पाइस वगैरह के पेशेंट में आपको दिखता है, तेजी से उसको ये दवा बहुत फायदा पहुंचाती है साथियों। उसके बाद कहते हैं मूत्राशय में मरोर, मूत्र कृच्छता, पेशाब कर लेने के बाद जलन और दांत काटने की तरह दर्द, पुराने सुजाक का रोगी जिसमें प्रतिक्रिया नहीं होती, श्राव मलाई की तरह होता है। आप उसके चेहरे की एक तस्वीर को लीजिए, यदि आप उसमें रक्त की अधिकता देखते हैं, पर यह भी देखते हैं कि उसमें सहनशीलता बिल्कुल नहीं है, स्थूलकाय थुलथुला हो रहा है, सर्दी सहन नहीं होती, चेहरा लाल है, सर्दी के बाद उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, पेशाब करने के बाद आखिरी बूंद के समय मलाई की तरह मवाद के साथ जलन होती है, कभी कभी तो कैप्सिकम इसे एकाएक बंद कर देगा। मुस्क यानी कि स्क्रोटम को मुस्क कहा जाता है, तो स्क्रोटम में ठंडापन, लिंगाग्र चर्म फूला, लिंगाग्र मतलब हेड आप कहें पेनिस का, तो उसका जो स्किन होता है वो फूला हुआ, उसमें स्वेलिंग रहेगा, शोथग्रस्त, मूत्राशय मुखसाई ग्रंथि में सुजाक के बाद दर्द। उसका कहते हैं रोगग्रस्त अंशों में ठंडक,
गह्वरों में ठंडक, समूचे शरीर में ठंडक, आपको कैप्सिकम में ठंडक बहुत दिखेगा। उसके बाद होर्सनेस के बारे में बतला रहे हैं कि कष्टदायक तथा तंग करने वाले पुराने स्वर भंग में यह लाभ करता है। उसे सर्दी लगी है, नई अवस्थाओं की शायद दो या तीन दवाएं दी गई हैं, एकोनाइट, ब्राउनिया, हिपरफास्फोरस, एकाएक आपका ध्यान उसके स्वर भंग की पुरानी धातुगत अवस्था पर चला जाता है। वह गोल गाल सर्दी पर लाल चेहरे वाला है और कैप्सिकम के प्रयोग से स्वर भंग चला जाता है। खांसी में भी यही बात है, कई गलतियां करने के बाद आप जागते हैं और देखते हैं कि यह तो कैप्सिकम का रोगी है और आप अभी तक तकलीफ की तह तक नहीं पहुंचते हैं। इसमें यह प्रमाणित होता है कि सर्वांगिक लक्षणों पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। यदि बहुत ही तेज नई बीमारी है तो इनमें संदेह नहीं कि आपको नई बीमारी की दवा ही देनी होगी, पर यदि रोगी के आरोग्य होने में देर हुई है तथा बहुत धीरे धीरे रोग के बाद स्वास्थ्य लाभ हो रहा है तो दूसरी ही दवा संपूर्ण रोग की ही दवा होनी चाहिए। कभी कभी तो यह सल्फर, फास्फोरस, लाइकोपोडियम होती है और कभी कभी कैप्सिकम। यदि रोगी की धातुगत अवस्था उत्तम है तो नई बीमारियों की दवा से ही रोगी सर्दी से आरोग्य हो जाएगा, पर पुराने गठियावाद के थुलथुले रोगी के लिए धातुगत परिवर्तन करने वाली दवा की आवश्यकता होती है। आकस्मिक आवेशपूर्ण खांसी समस्त शरीर को हिला देती है। खांसी आने के बाद सिरदर्द से रोगी चिल्लाने लगता है। खांसी के साथ रोगग्रस्त अंगों में सुई गरने की तरह दर्द, रोगग्रस्त संधि को प्रत्येक खांसी झटका देती है। धातुगत अवस्था पहले आती है और विशेष लक्षण भी जरूर मिलने चाहिए, अर्थात संपूर्ण लक्षण समूह पर दवा का चुनाव करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी है साथियों जो डॉक्टर केंट ने अपने मेटेरिया मेडिका और लेक्चर में कैप्सिकम एनम के बारे में बतलाई है। आशा करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। कुछ भी पूछने बतलाने जैसा लगे तो कमेंट जरूर करें, मैं रिप्लाई करूंगा। अगर मुझसे कुछ स्पेसिफिक टाइम चाहते हैं, आप किसी विषय पर बात करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, फिर मैं आपको लंबा समय दे पाऊंगा। और बच क्या रह गया कि अगर कोई भी आपके साथी हैं जो BHMSC होम्योपैथी से जुड़े हुए हैं तो उनसे शेयर जरूर कर लें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन, इसका जो पोटेंशियल है, वो ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।